Good morning. What's up people? Very good morning. अब भी मैं उठ चुकी हूँ और कुछ टाइम हो रहा है 7 बजे का. मैं अभी क्या बताएंगे, सुबह उठी और मैंने देखा अपने फेस में ये पिंपल फूट चुका है. अब अभी फूटा तो फूटा, ब्लड के साथ फूटा, बहुत पेनफुल होगा. बट मैं तो सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कब फूटा. बट ठीक है, दाग अंदर रह जाए इसलिए अभी साफ़ कर लेती हूँ. तो चलो फटाक से मैं जाती हूँ, फ्रेश फ्रेश हो आती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में, है ना. चलो हगीश पहना रहे इसको, गए हगीश पहना रहे, बड़ा खुश है. सुबह सुबह से भजन चालू है. खुश हो गया, खुश हो गया. हगीश पहना जल्दी जल्दी से, ठंड लग जाएगी उसको. आज ठंडी है, नींद आ रही तुमको अभी भी है. मेरी मम्मी को मुझे ऑर्डर मिल चुका है, मुझे झाड़ू लगाना है, तो फटाफट चलो जल्दी से झाड़ू लगा देते हैं. तो अभी उठी हूँ मैं, मतलब कि हुआ क्या कि जब मैं नहाई वहाई फ्रेश फ्रेश हो गई ना, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा काम वाम किया और उसके बाद थोड़ा सोचा कि ऐसे ही लेट जाती हूँ. लेटने को हुआ, लेटे लेटे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला मुझको. और जो नींद लगी वो मुझे अभी उठी हूँ, बिना खाए पिए सो गई. तो फिर अभी मैं उठी तो मैंने सोचा चलो छत की ओर चलते हैं अब. और छत की ओर तो आ गए हम, बट हुआ क्या कि छत की ओर आए तो हमें मम्मी ने काम पकड़ा दिया. बोलती है मम्मी मेरे को ऊपर छत पे कपड़े डाले हैं, लेते आना. मैंने बोला ठीक है मम्मी, अभी हमें कपड़े लेने हैं, नीचे जाना है. बट यार आज थोड़ा पूरा ठंडा एनवायरनमेंट है यार, तो गुस्सा आ रही है. ठंडी सी लग रही, ठंडी बढ़ गई है हमारे यहाँ. कभी ठंडी चली जाती है, कभी एकदम से धूप आ जाती है. ग्लोबल वार्मिंग तो बिगड़ रहा है, इसके साथ साथ मेरा शेड्यूल भी बिगड़ रहा है, जब मैं बिना खाए पिए सो गई. चलो देखो, देख लिया है बहुत ज़्यादा ही छत मैंने. जल्दी जल्दी से कपड़े उठाते हैं और चलते हैं अपन नीचे, है ना. देखो कपड़े इतने सारे, मैं उठा के अब नीचे जाती हूँ. चलो फटाक से चलते अपन नीचे. मेरे साथ ही ऐसा होता है, एक बार भी नहीं बोलते. डोरी में भी कपड़े टांगे हैं और बच्चे और लेके आना है. चलो मैं ऊपर गई, वहाँ डॉगी चला गया था तो गया, मैंने देखा वहाँ एक कपड़े नहीं है. ठीक है कोई नहीं, अब फिर से नीचे जाते हैं. हो गया पोपट. हो गया पोपट. जाए फिर से मुझे काम मिल गया. वो काम मिला है कि अब ये घड़ी वाले कपड़ों को जा कर के रूम में रख के आऊँ. चलो रख के आते हैं. यहाँ तो लाइट ही नहीं है, जल्दी से लाइट चालू करते. ठीक है जादू हो गया, फटाक से कपड़े रख देते हैं. ईमा गिनने तो मुझे तय करने पड़ गए, करना नहीं ऐसे ऐसे. हाँ रख दिया अपन ने, अब चलो चलते हैं मम्मा के पास. कपड़ा और देखा
देख लिया है, कुछ नहीं है मम्मी वहाँ। गेहूं को समेट लेना, गेहूं समेट के सुनो। हाँ गेहूं को समेट के चादर से ढांक देना, बड़ा वाला टपरी देखोगे यहाँ तो हमारे छत ऐसा लगता है कि बहुत सारे छत ऐसे मिलके जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ में कूदते रहो जैसे कि मैं कूदूंगी। दिखाऊं? दिखाती हूँ रुको। अरे फिर तुमने दिखा दी अपनी हरकतें। हाँ हाँ चाट लो बेटा चाट लो, चूहे खुजला रहे होंगे ना। फिर ठीक है भाई, तुम्हारी ज़िंदगी तो मैं जैसे जीना जियो जेंटलमैन बाय। ओ जेंटलमैन जाने लगा, मैंने ज़्यादा तारीफ़ कर दी उसकी। जाओ तो आप जाओ या ना जाओ मुझे तो जाना पड़ेगा। बाय बाय, अच्छा लग गया बाय। मैंने क्या ही कर दिया ये बेचारे डॉगी को, मैंने क्या किया बेचारे डॉगी के साथ है। अभी वो गुस्सा हो गया क्या भाई, इधर आ रहा है, मैं जाता हूँ जल्दी से। को मेरे घर में कंटेंट नहीं मिला तो मुझे डॉगी को कुछ भी बोल करके मैंने उसको क्या किया और वो गुस्सा हो गया और वो मेरे तरफ भागा। मैं अपने नीचे घर की तरफ भागी और फिर मैं ऊपर आ गया हूँ, बट वो शायद सो रहा है। देख तो नहीं रही, उसकी आंखें कंजी सी, समझ में नहीं आ रहा सो रहा है कि देख रहा है कि प्री प्लान। फटाक से अपन गेहूं हटा लेते हैं अपनी, इस वाले थोड़े सामान में रख लेते हैं डब्बे में और अपन चलते हैं नीचे, है ना, क्योंकि ठंड बढ़ रही है। बीमार तो होना नहीं है अपन को, क्योंकि रोज़ व्लॉगिंग करनी है तो बीमार तो होना नहीं है, इसीलिए जल्दी से हम सामान उठाएंगे और नीचे चलेंगे क्योंकि हवा बहुत तेज़ हो गई है। दिखाएं हम आपको हमारे यहाँ का सनसेट, धूप ही नहीं निकली क्या सनसेट, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है ठंड रहती ना तो हल्का सा बिल्कुल। चलो मेरा पहला काम तो हो गया है, गेहूँ उठाना था गेहूँ तो उठा लिया मैंने और छत भी पार कर ली, कुत्ते को भी बोल दिया, कुत्ता नहीं डॉगी। सो गाइस घर के अंदर आ चुके हैं, एक्सरसाइज भी लेट हो गई है और टाइम देखो सर चढ़ गया है टाइम हमारा। चलो देखो देखो हसो, गुस्सा नहीं दिखाओ, सब देख लाए डिस्टर्ब कर दिया हमने, सो रहे थे क्या तुम? सो रहे थे आग दिखा रहा भाई, भग आग नहीं दिखा तेरे को, आग नहीं दिखा डर जाएंगे सब, नहीं दिखा गुरु गुस्सा में तो मेरे डुगू मुझसे नाराज हो गया तो मैं उसको घुमाने लेकर आ गई हूँ। अब खाने की तैयारी हो रही है, यहाँ पर सब्जियाँ कट रही हैं। गुड नाइट।